फ्रेंड्स, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं फीफा फूड। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले की ईडी ने आज तक जितनी भी जांच की है उसकी मांग की है एनसीबी ने। एनसीबी की एंट्री के बाद इस मामले में 5 लोगों पर केस रजिस्टर हुआ, रिया चक्रवर्ती और उनकी गैंग पर केस रजिस्टर हुआ और अब एनसीबी ईडी से तमाम दस्तावेज हासिल करना चाहती है। ईडी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखती है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं उसमें ईडी का भी योगदान बहुमूल्य है। ईडी ने रिया के फ़ोन क्लोन किए थे। ईडी ने शुरू से ही 15 करोड़ का ये मामला था, 15 करोड़ सुशांत के बैंक से गायब हुए थे, ऐसी एफआईआर सुशांत के पिता के सिंह ने की थी और उसके बाद ईडी ने भी तब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जांच को आगे बढ़ाया और बहुत कुछ हासिल किया है। अब ईडी की जांच पर एनसीबी अपने दिशा निर्देश तय करना चाहती है। एनसीबी ने ईडी के तमाम दस्तावेज मांगे हैं और वो जल्द ईडी एनसीबी को देगी और एनसीबी उसके अनुसार अपनी अगली जांच जो है वो तय करेगी। सुशांत मामले की तमाम जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए फीफा फूज के साथ।